जुगनू के हैरत अंगेज कारनामों ने दर्शकों को दिल थामने पर किया मजबूर। मुरादाबाद 10 जून जिगर मंच पर जादुई कारनामों का तिलिस्म छाया रहा। मुरादाबाद में लगातार 32 वर्षों से जिगर मंच पर अपनी कला को देश विदेश में पहुंचाने वाले जादूगर जुगनू उर्फ अंशु भैया ने अपने जादू कला के कौशल को दिखाकर दर्शकों के दिल थामने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में निम्न कलाकारों ने भाग लिया: अनुभव गुप्ता, अंकुश गुप्ता, मोहम्मद हाशिम, नंदनी, आकृति, वैशाली, भूमि, खुशी, प्रेरणा, चहक, विराज, अरविंद, दल सिंह, निरंजन, नमन आदि रहे। मंच का संचालन सौरभ यादव ने किया। म्यूजिक पीटर क्रिस्टोफर, लाइट व साउंड शावेज खान ने मंच पर संभाला। इस अवसर पर मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य किरण वाषणे, मिताली गर्ग, जिला कृषि अधिकारी रितु शतिवारी, प्रभारी राहुल शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुरादाबाद, हैंडीक्राफ्ट्स के अध्यक्ष नजमुल इस्लाम, पंकज सक्सेना, अरविंद गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, डॉक्टर दीपक राज गर्ग दिल्ली से आए जादूगर आशीष मेरठ से, वी सम्राट अजय दिवाकर, मिस्टर इंडिया राजीव बिश्नोई, विचित्र शर्मा, परविंदर सिंह चौहान, प्रदीप शर्मा, ब्रजपाल सिंह यादव, सुशील शर्मा, परवेज नाजिम। आयोजन जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी रही। कार्यक्रम का सफल संचालन बाबा संजीव आकांक्षी व चंचल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नाम जानना चाहूँगा। मैं सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, जादूगर जुगनू के नाम से मेरा बैनर है। सर, आज क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? आज मुरादाबाद एग्जीबिशन में जो जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी है, उसमें परंपरागत रूप में जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें आज मुख्य रूप से मेरा कार्यक्रम वहाँ रखा गया है, जिसे बच्चे, बूढ़े और जवान बहुत ही आनंद के साथ देखना पसंद करते हैं। क्या कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं? जादू के कार्यक्रम हैं और जादू के मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हैं, जिनमें लोगों का बड़ा ही मतलब एक कौतूहल और सस्पेंस बना रहता है और वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस जादू में क्या होता है और कैसे होता है। किस समय चालू होगा तमाम? रात्रि 8 बजे ये कार्यक्रम चालू होगा, प्रारंभ हुआ। क्या अपील देना चाहेंगे आप? अपील यही है, देखिए स्वयंभू जादूगर जितने भी हैं, जो अपने आप को कथित भगवान मानते हैं, ये 10 उंगलियों का चमत्कार और दिमाग की कला है। ये केवल एक शिक्षा के रूप में और मनोरंजन के रूप में हम लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। केवल यही है कि आप अंधविश्वास से बचें और अपने आप को खुश रखें।